नमस्ते सत्यकाल टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सब कैसे हैं? आपका हालचाल प्लीज कमेंट पे जरूर बताइएगा। आज हम लोग बनाएंगे चिकन विंग्स की खास रेसिपी। पहले हम लोग एक बाउल में ले लेंगे एक चम्मच के करीब बेसन। आज हम लोग चिकन फ्राइड बना रहे हैं, उसके क्रिस्पीनेस के लिए हम लोग ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। फिर हम लोग बेसिक मसाले ऐड करेंगे जैसे कि रेड चिली पाउडर, हल्दी, और मैं यहाँ पे तंदूरी मसाला का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग कसूरी मेथी ऐड करेंगे और एक अंडा ऐड करके इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। आप चम्मच से भी बीट कर सकते हैं या फिर मशीन से बीट कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम लोगों को मिला लेना है। इस बैटर को अभी चिकन के साथ हम लोग अच्छे से कोट करेंगे। आप हो सकता है तो इस मैरिनेशन को आप रात भर रखिए या फिर 15 मिनट एटलीस्ट रखिए। मैं इंस्टेंट बना रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने सैलो फ्राई किया है, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पलटते पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन का ना हो जाए। ये काफ़ी क्रिस्पी चिकन विंग्स है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, पर हम लोग इसमें ट्विस्ट ऐड करेंगे। तो हम लोग जो बैटर तैयार किए थे उसको यहाँ पे हम लोग फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन का ना हो जाए। इसको भी फ्राई करके हम लोग होल निकाल लेना है। फिर हम लोग उसी ऑयल में लेंगे क्रश्ड गार्लिक और आधा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसमें ज़्यादा मसाले की ऐड करने का कोई नेसेसरी है नहीं। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा पानी दिया है ताकि मसाले जले ना। फिर हम लोगों को बेसिक मसाले ऐड कर देने जैसे हल्दी, रेड चिली पाउडर और चिकन मसाला। इन सबको आपको अच्छे से भूनना है। जब मसाले अच्छे से भुन जाए फिर मैंने यहाँ पे सेजवान सॉस ऐड किया है। आप टमाटो सॉस, सोया सॉस, जो भी सॉस आपको पसंद हो वो सब ऐड कर सकते हैं। और इसको ऐड करने के बाद हम लोगों को चिकन के साथ इसे अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा पानी दिया है, बहुत ही थोड़ा सा, 2 चम्मच के करीब। फिर हम लोग प्याज ऐड करेंगे और जो फ्राई करके हम लोग रखे थे बैटर और एक का जो मिक्सचर था उसको भी हम लोग ऐड करके इसको सर्व करेंगे। बहुत ही यूनिक सा रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय।